आज मैं जो एडमिन पैनल टेक ओवर दिखाने जा रहा हूँ उसकी बाउंड्री है 20,000 रुपये, क्योंकि ये भारतीय कंपनी है इसलिए इसका पे आउट बहुत कम था और ये बग है P1। तो पहले मैं टारगेट के बारे में बता देता हूँ। इस टारगेट में कम से कम 70 से ऊपर सब डोमेन थे। तो मुझे एक सब डोमेन मिला जहाँ पर मुझे ये दिखाई दिया कि एडमिन डैशबोर्ड है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ लॉगिन का ऑप्शन था कि हम यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। तो पहले मैंने एसक्यूएल इंजेक्शन ट्राई करा, कहीं ओसेंट किया ताकि कुछ क्रेडेंशियल मिल जाए, गिटहब डॉकिंग वगैरह, लेकिन ऐसा कुछ मिला नहीं खास। तो फिर मैंने इसको स्किप कर दिया ध्यान में रख के कि ये एडमिन डैशबोर्ड का एक सब डोमेन है। तो वहीं पे मुझे एक दूसरा इसका सब डोमेन मिला, ये देख सकते हो। तो यहाँ पे साइनअप कर सकते थे, तो मैंने साइनअप की जो रिक्वेस्ट थी अपनी डिटेल डाल के उसको वर्क सूट में कर लिया कैप्चर। तो कैप्चर करने के बाद यहाँ पे ध्यान से देखो, इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पास हो रही थी जैसे रोल्स, और रोल में यहाँ पे एक यूज़र एक बिजनेस रोल। तो मैंने सोचा शायद इसको कुछ मैनिपुलेट करके हो सकता है। तो जैसे ही मैंने इस यूज़र को यूज़र हटा के इसकी जगह लिखा एडमिन और रिक्वेस्ट कर दी सेंड, यहाँ पे देखो एडमिन लिख दिया और रिक्वेस्ट सेंड कर दी, तो रिस्पांस में मुझे दिख गया कि अपडेट हो चुका है। लेकिन अब ये दिक्कत हुई कि जब मैंने इस पे लॉगिन किया, किस वाले पे, इस वाले पे, नॉर्मल वाले सब डोमेन पे, तो मुझे कुछ खास चीज़ें दिखी नहीं। जो नॉर्मल अकाउंट में थी बिल्कुल वही चीज़ें थी कि अपनी डिटेल को कुछ मैं अपडेट कर सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ, मॉडिफाई, और भी कुछ नया नहीं था। तो फिर मुझे ध्यान आया इस वाले सब डोमेन का जो मुझे सबसे पहले दिखा था एडमिन डैशबोर्ड। तो मैंने जो यहाँ पे इसको एडमिन करने के बाद जो मैंने क्रेडेंशियल यूज़ करे थे, ईमेल पासवर्ड, उसको मैंने पहले वाले पे एंटर किया, इस वाले पे एडमिन डैशबोर्ड पे, यहाँ पे मैंने वही क्रेडेंशियल डाले जो मैंने रिक्वेस्ट में आपको दिखाया था जिस पे मैंने एडमिन चेंज कर दिया था यूज़र को, तो यहीं पे डाले और मुझे सीधा एडमिन डैशबोर्ड को पे एक्सेस मिल गया। ये था ये वाला एडमिन डैशबोर्ड, इस पे मैंने ये वाले क्रेडेंशियल डाले इसके, और मुझे सीधा एडमिन डैशबोर्ड पे एक्सेस मिल गया। तो अब देखो मैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें कर सकता था। अपडेट यूज़र एक्सेस, यहाँ पे मैंने किसी यूज़र का यूज़र नेम डाला और मैं उसका एक्सेस चेंज कर सकता था। ऑर्डर स्टेटस, किन किन लोगों ने, जैसे ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म था, ठीक है, जो इसका मेन डोमेन था ई कॉमर्स, तो किसने क्या चीज़ ऑर्डर करी है, उसकी ईमेल, फ़ोन नंबर, एड्रेस, वो सब कुछ देख सकता था, चेंज कर सकता था चीज़ें। यहाँ पे देखो ये रिवॉर्ड्स, जैसे आप अमेज़ॉन यूज़ करते हो तो आपको अमेज़ॉन की तरफ से जो रिवॉर्ड मिलता है कॉइन वगैरह, वो मैं इस तरीके से यहाँ पे एडिट कर सकता था, मतलब यूज़र के पॉइंट को बढ़ा सकता था। और यहाँ पर देख लो इमेजेस अपलोड कर सकता था, वीडियो अपलोड कर सकता था, कमेंट लोगों को मतलब या तो अलाउ कर सकता था या फिर ब्लॉक भी कर सकता था कि दूसरा आदमी कमेंट ही ना कर पाए। तो आप देख सकते हो ये था एक यूनिक तरीका जिससे मुझे एडमिन पैनल टेक ओवर मिला। तो ज़रूरी नहीं है आपको डैशबोर्ड मिला तो वहाँ पर साइनअप दिखेगा ही दिखेगा, आप किसी और सब डोमेन पर साइनअप करके देखें, रिक्वेस्ट में अगर रोल वगैरह हो तो आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको कुछ समझ में आया हो, सीखने को मिला हो। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में।